के साथ हुए रेप और हत्या के मामले को लेकर पूरा देश हैरान है। सीबीआई ने अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को लगातार पूछताछ के लिए बुला रही है। सीबीआई को शक है कि अस्पताल के अधिकारी इस घटना को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अस्पताल के अंदर की एक तस्वीर से इस पूरे केस पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही निकल कर आ रहा है कि क्या क्राइम सीन से छेड़छाड़ हुई। तस्वीर में देखा जा सकता है कि सेमिनार हॉल के कर्मियों और डॉक्टरों से लेकर तमाम लोगों की भीड़ है। यह तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसके बाद सवाल है कि इतने सारे लोगों को घटना स्थल पर जाने कैसे दिया गया। इसके अलावा यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि घटना स्थल के साथ छेड़छाड़ की गई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने आरोप लगाया था कि सबूतों को नुकसान पहुंचाया गया है और क्राइम सीन वैसा नहीं है जैसा कि यह मौके वारदात के वक्त रहा होगा। कोलकाता पुलिस ने इन दावों को खारिज कर दिया था, बल्कि यह भी कहा गया है कि तस्वीर में दिख रहे सभी लोग उस वक्त वहां होने के लिए पूरी तरह ऑथोराइज थे और उनकी पहचान कर ली गई है। इस मामले को लेकर डीसीपी सेंट्रल इंदिरा मुखर्जी का भी बयान सामने आया है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। We have seen that there is one particular news channel which has shown a video and some pictures of the seminar hall, which is the place of occurrence of this particular case. And there it has been seen that inside the cordoned off area, there are many people who are standing, talking, and it is not clear that who are these people. And it has been alleged that they are probably some people who were not supposed to be there, and there has been some tampering of evidence. So we have taken some still from that video and I would like to show you that picture, and we have been able to identify each and everybody who was there in this particular picture or who were present at this particular place. I hope you can see the cordon. Right behind the cordon is the dead body. The one in blue check here is OC Homicide from Kolkata Police. We have the videographer from the detective department. We have learned commissioner of police here. Additional CP1 sir is here. OC woman remand cell is here. Lady officer from Tala PS is here. And forensic officials are also here. All are known to us and identified. There is also another picture and new set of people. We have the witness doctor, whom you can see has a stethoscope and is leaving soon after the inquest. We have FSL people, the fingerprint expert, the ACP of detective department, the videographer, senior officer initial CP1, and the forensic officials. So as you can see, this picture or the video that you may have seen, it basically is of a time when the inquest process was over. As you can see that the lady doctor is leaving this particular place. So at no point in time could anybody enter in this particular area who was not authorized, or nobody entered who was not associated with the investigation process. रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई जांच कर रही है कि आखिर ट्रेनी डॉक्टर का शव मिलने के 40 मिनट बाद स्थानीय पुलिस को क्यों सूचित किया गया, इतनी देरी क्यों की गई? कोलकाता पुलिस की टाइमलाइन के अनुसार शव सुबह 9:30 बजे मिला और ताला पुलिस स्टेशन को सबसे पहले मौत की सूचना सुबह 10:10 यानी कि 40 मिनट की देरी से मिली। कोलकाता पुलिस की जांच टाइमलाइन के अनुसार स्थानीय पुलिस शव मिलने के 1 घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंची और इलाके को सुरक्षित कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई प्रिंसिपल संदीप घोष के कॉल डिटेल रिकॉर्ड को भी समीक्षा कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप किया था या नहीं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्रीय जांच एजेंसी ने दावा किया था कि क्राइम सीन को बदल दिया गया था। इसके अलावा पीड़ित परिवार को गुमराह किया गया था कि उनकी बेटी की मौत को आत्महत्या के रूप में पेश किया जा रहा है। इसका जवाब देते हुए कोलकाता पुलिस ने 30 अगस्त को कहा कि घटनास्थल पर मौजूद सभी व्यक्तियों को जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है वहां उपस्थित रहने की पूरी अनुमति थी।